हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई। अभी अभी अब मैं ये बिस्कुट खा रहा था, इसने बिस्कुट का पैकेट निकाला मेरे, तो मैंने कहा एक बिस्कुट दियो भाई, मैंने एक बिस्कुट ना हाथ में आके एक बुड़का मारा, इतने मांगा लंगूर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई कल रात को जो हमारी लड़ाई हुई है ना, जो लड़ाई हुई है, अरे वो जानवर शक्ल तो दिखा दे अपनी व्लॉग में, है इसकी जानवर की शक्ल देख लो, वो दिखा दे, ब्रोक लेसनर बन के दिखा दे सब, तो ब्रोक लेसनर वो तो देख लिया, पर ब्रोक लेसनर तो बन के दिखा दे गंदे वाला। यो कैसा सस्ता और तेरी भैया तो मारने को था यार, ये जानवर कहाँ था आ गए। चल कोई बात ना, इसका दोस्त कौन आया था? गेट खोल के कल जो गेट पे, भाई यार ऐसा अच्छा लगता भाई, ऐसे किसी पर्सनल रूम में घुस जाते ना वो, फिर समझो ना खराब सिस्टम हो जाता, बट कोई बात नहीं, चलो बात रात गई बात गई, कोई बात नहीं, कोई ग्रस्त तो नहीं है हमको। ठीक है भाई, अब एक बार ब्रश कर लेते हैं, नहा धो के यहाँ से निकलते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? कुंभलगढ़ या कुंभलगढ़ जो भी है वहाँ पे भाई, सबसे बड़ी वॉल है, ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी वर्ल्ड। गुतलो ना पहले, गुतलो पार्ट टू आएगा अज्जू। अज्जू अज्जू की वो खैर नहीं है भाई, अज्जू भाई बच लेना, मेरा व्लॉग देखते हो तो ये तो कल ही आएगा, अज्जू भाई तेरे जा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रश कर लेते हैं, नहा धो के अपने पहले खाना खाते हैं, फिर निकलते हैं कुंभलगढ़। तो ओए हां, भगा मतलब सबसे पहले ना इसका स्टाइल देख लो, बनियान दिख रही है अभी, वो जैकेट पहनूंगा। अरे बनियान भी दिख रही है, सुन तो सही, ये देख जो टी शर्ट दबा के, ये देख ले ऊंची पैंट और पेट बाहर, ऊंची की पैंट, ऊंची पैंट अर्चित की। ठीक है भाई, शावर लग रहा बढ़िया, सारी चीज है, सारी चीज बढ़िया है, ये बाल्टी तो कौन ना रहा भाई, हम तो देख रहे बाल्टी मंगा चाहिए तू खेल में ना ले करना, फिर इतना बढ़िया यहाँ भी क्यों बढ़े। और साबुन भी ना लगा, तू साबुन क्यों ना लगाऊ, मंगाया था बुनोरा, यूज हुआ वो, पूरा यूज हुआ ना, दिखा रहा ना लगा वे साबुन, तू तो ना लगा वे ना साबुन, मैं भाई नहीं साबुन ले, मैं शैम्पू लगा लेता हूँ, देख लो आया यार कैसे अजीब अजीब के लोगों के लू है भाई, तो बॉडी बहुत आई ना इन्होंने, तो शैम्पू तो ना लेगा, अरे तो इनकी साबुन अच्छी नहीं भाई, नॉट गुड, हम तो लगा ले मैं बुट्टी के, ये तो पांच भाई साबुन लगा ले। इधर चितने मेरे को ये दिया है, और अभी कह रहा था मैं देसी आदमी हूँ, देसी आदमी की पहचान तो नहीं भाई, क्या दे दिया मेरे को आपने, इंटरनेशनल विलेजर। चलो छोड़ो भाई, ना लेता ना, चलो मेरे के लाओ, आओ चलो, तो मैंने हम चलेगा चला जाए सुअर। ठीक है, अब नहीं नहाना तुम मेरे साथ यार, तुम नहाते नहीं हो, चल कोई बात नहीं मैं नहा लेता हूँ मेरा, ओ कहाँ लेके जावे, कहाँ लेके जावे ऐसा, रुक जा भाई पहले वो तो बना लेते स्नैप। भाई मेरा ब्रेकफास्ट पूरा वो मत बना दो लोग, भाई मेरा ब्रेकफास्ट देख कर तुम समझ गए कितना हेल्दी खाता हूँ मैं, है ना, कितना हेल्दी खाता हूँ, देखो ऑरेंज जूस चल रहे हैं हमारे, ये फ्रूट्स चल रहे हैं, वो तेल में भिगो के जो तेल में भिगो के जो पूरी आ रही है वही क्यों मंगा रहा तू, असली ब्रेकफास्ट तो वही है। ओ सॉरी, व्हाट्स अप गाइस, अभी आ रहा हूँ नीचे, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, जय श्री राम भाई, चले नीचे आओ, लेट्स गो। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning, I'm just thinking about your eyes, just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so. भाई अभी नीचे बच्चा है बहुत सारे, उन्होंने ये दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे मिलके बहुत ही बढ़िया लगा इसको, ओह नीचे नहीं गिरना चाहिए। सो गाइस, उदयपुर से निकलने का टाइम हो चुका है, अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताइयो, नाम भी लेना नहीं आ रहा, कुंभलगढ़, मुझे भी नाम है कुंभलगढ़ ही है ना, मैं तो खामड़ो से बोल रहा हूं, खामड़ो से थोड़ी जा रहे हैं, कुंभलगढ़ या फिर कुंभलगढ़ होगा नाम भाई, जो भी समझ गए ना राजस्थान के लोग समझ गए, कुंभलगढ़ नाम है भाई, वहाँ पे जा रहे हैं हम, वहाँ पे फेमस है बहुत ज्यादा कुंभलगढ़ फोर्ट, वो भी घूमेंगे, तो पहले होटल लगाऊं गाड़ी या फिर कुंभलगढ़ फोर्ट लगाऊं, होटल लगाओ ना, तो भाई पहले होटल चलते हैं, थोड़ा सा सामान सुमून गिरेगा अपने निकलते हैं। जू भाई की तो इतनी फैन फॉलोइंग है, ये देख लो भाई, एक भाई लव यू कह रहा, भाई लव यू टू भाई, और अज्जू भाई भी निकल चुके हैं पल्ली साइड से, हमारी गाड़ी में कितना तेल रह रहा, कम ही रह रहा, चलो भरवाते तेल भी निकलते हैं। भाई अभी ना कर्मा की बात हो रही थी कि मतलब जो जो बुरे कर्म करे इसी जन्म में उल्टे निकट जावे, और कर्मा उसको हिट करता बहुत बुरी तरह, तो मैं कह रहा था कर्मा मेरी दोहरागन, तो मैं कर्मा साढ़े मारूंगा, तेन क्या कह रहा कर्मा तेरे बारे में? मैं यूँ कह रहा था अगर आपको हिट करेगा तो हमको भी तो मारेगा। कह रहा भाई आपके जो छोटे छोटे बुरे कर्म है उसमें हम भी तो भागीदार है, तो कर्मा जब मारने आएगा तो तीनों ने मारेगा इकट्ठा, भाई मैं तो भाग लूंगा, तुम दोनों पिट लेना मेरे नाम को प्लीज यार, अर्चित कर रहा हूँ मैं मारे कर्मा, कौन सा कौन है कर्मा, साढ़े कौन सा गांव का आयु, अच्छा कर मैं पूजा पंडित हूँ ना, मैं पूजा करता हूँ तो मेरे कर्म क्या बोलेगा, सारे बुरे कर्म ना करे तूने आज तक, ना करा कोई बुरा कर्म भाई, मैं अच्छे कर्म करता हूँ, सारे बुरे कर्म कर, हम तो पूछ लो ना, हम तो पूछ लो सारे बुरे कर्म, एक भी अच्छा हो तो भाई यो है कुंभलगढ़,
मतलब कि है यही कुंभलगढ़, देखो हर तरफ रेतीले पहाड़, इधर देख लो ये भी ऐसे कैक्टस टाइप पौधे, मतलब डेजर्ट है राजस्थान, मतलब डेजर्ट ही है बेसिकली, बट ये देखो चारों तरफ पहाड़ है, इस साइड भी पहाड़ है, इस साइड भी पीछे है, तो ये जानवर है सो रहा अभी, तो अभी पहुंचने वाले हम कितनी देर पहुंचेंगे, 11 मिनट में पहुंच जाएंगे अपने होटल पे, और वहां से फिर हम जाएंगे पता कहां पे जाएंगे, वहां के पैलेस पे, सिटी पैलेस नहीं, सिटी पैलेस तो उदयपुर में था, कुंभलगढ़ फोर्ट भैया, कुंभलगढ़ फोर्ट। ये तो बस बस भी चल रही है यहाँ पे, तो आ गया वो गाड़ी चल रही है बढ़िया, सारे मेरे साथ लोग ना वहीं जा रहे हैं होटलों पे, टूरिस्ट वाली गाड़ी चल रही है इसमें, पर टूरिस्ट तो है ही नहीं, खाली जा रही है भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं पता था कि राजस्थान इतना बड़ा है, हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में, कितना ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब इतना जिंदगी में मेरी गाड़ी पता कितनी चल गई हो, हम कितने चल रही थी जब 4400 चल रही थी, नहीं 4400 नहीं थोड़ी ज्यादा चल रही थी, पता कितनी चल रही, 6700 किलोमीटर, मतलब 4900 चल रही थी, मतलब नियरली 5000 किलोमीटर चल रही थी, हम चल चुके हैं 1755 किलोमीटर, 1855 किलोमीटर लगा लो गुड़गांव से अब तक जितना भी डोले, 1800 किलोमीटर गाड़ी चला दी हमने यहाँ पे, अभी तो आधा रह रहा है और अभी तो उल्टा भी जाना भाई, ओ शिट भाई 4000 किलोमीटर बैठ गए, 4000 किलोमीटर वाले भी कहेंगे भाई ऐसे कहां डुला रहा है तू, हां जल्दी पहली सर्विस आ जाएगी, वो कहेगा फॉर्च्यूनर वाले का भैया एलियस भाई इतनी जल्दी चला दी तुमने, हम तो नहीं कर रहे इसकी सर्विस, मैं कहा भाई ये कर दो प्लीज। तो भाई एक बार जा रहे होटल पे, यहां पे मतलब कि मुझे सच बता रहा हूं, ऑनेस्ट हूं मैं तुम लोगों के साथ, मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया यहां पे कोई होटल ही ना है, मतलब घर आ रहे हैं, पहाड़ आ रहे हैं, पेड़ आ रहे हैं, कैक्टस आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ आ ही ना रहा, पर अभी मैंने फोटो देखी होटल की, भाई हमारा होटल बड़ा सेक्सी है, तो वहाँ पे जाके होटल का विजिट कराएंगे सब लोगों को, तो चलते हैं होटल अपने। भाई पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी, पहुंच चुके हैं होटल, दिखाऊं होटल देख के तुम, तुम्हें स्वाद आ जाएगा, तुम्हारी कसम होटल देखोगे भाई यार का है, ये देखो तुम महल देख लो हमारा, एक नंबर महल की डिजाइन में, मतलब महल सही है। हाँ भाई जानवर कैसा आई जयपुर में, और मजा आएगा जयपुर में तो और मजा आएगा, पर यू कैसा लग रहा तुझे, आया स्वाद yes. भाई एक नंबर, अभी जा रहे हैं एंट्री करके, वो लगेज वगैरह जो थोड़े वाले बंदों को ले चलते हैं, मैं भैया उतार के प्लीज हमारे रूम में चले चलो यार, भाई व्यू देख लो भाई हमारे होटल का, यू व्यू आ रहा भाई ना भाई, यहाँ तो स्वागत हो रहा हमारा, मतलब हम स्पेशल बंदे हैं भाई, स्वागत हो रहा भाई यार का, यार माला वाला पहनेंगे और जैकेट लेके आया, तो मैंने कहा भैया जैकेट पहनेंगे यार फिर करना हमारा स्वागत, टीका वीका लगाएंगे राजस्थानी स्टाइल में भाई, इसलिए तो मेरे को राजस्थान बहुत पसंद है भाई, जितने भी राजस्थान के लोग देख रहे हो ना, ये जो दिल है ना ये तुम्हारे पास है इस टाइम, समझ रहे हो, जेन्युइनली अर्चित के लिए तो मना कर दें अर्चित कहते हैं पहला करा रहे अर्चित तो मना कर दी भाई अपने रूम के अंदर पहुंच चुके हैं हम, और इस रूम के अंदर थोड़ा ये टीका कितना मस्त लग रहा है भाई रे, आजा कहाँ जावे जिसमें गैर टीका दिखा दे अपना जैसे दिख रहा था किसी ने तो भाई अब रूम टूर कराते हैं, तो मैं पता हमेशा करवाऊ मैं, अब देखना ये वाला रूम अच्छा देख, पर क्या है स्वैन स्वैन ना भाई कुछ और हुआ, चलो मैंने कहा कॉरिडोर है ठीक है, कितना प्यारा कॉरिडोर है, एकदम महल टाइप है सिस्टम पूरा, ये पूरा मतलब पुराना महल ही है, ऐसा हमारा दरवाजा है, दरवाजा भी ओल्ड स्टाइल ओल्ड स्कूल, और ये ओह यार मैं अच्छी चीज दिखा रहा हूँ गंदी चीज आगे सामने आ गया, हटो एक बारी भाई, घुसते ही दिखाऊंगा, घुसते क्या देख रहा है, टेंशन ऑफ गेस्ट, चलो छोड़ो ये तो छोड़ो, ये भाई इधर की साइड है अपना ये लगेज एरिया, यहाँ पे अपनी अलमीरा, सामने शीशा, नीचे बेल बॉटम बूट कट, और ये जो वॉशरूम है ना इसमें आ जाएगा तुम्हें स्वाद, क्योंकि इसमें वॉश बेसन है भाई नहीं इसमें ये है भाई, देखो ये जो भी कैमरा इसे टब से वो, और पत्थर वाला चिंद्रा का बढ़िया, और ये पर्दा लगा के नहाने का, और इनके जैसे लोग हो तो ये पर्दा नूंगी तो हटा देवे, तो इसकी तो इसकी नीड ना यही बंद करना पड़ेगा, कौन से लोग, अरे फिर तुम तो कान लगा के यहीं रहो ठीक है, घाटा की बेगम घाटा की बेगम दिल बना रखा है इनके आगे अजगुजर भाई बैड और बैड पे फिर बैठ के तुम साढ़े पागल चप्पल भी तो पैर लिया की आते ही बैड पे लगा दी, चल कोई ना ये तो ऐसी वाली चप्पल है, अच्छा अच्छी वाली चप्पल है भाई, ये हमारा बैड है, ये बैड है हमारा अलग अलग, अज्जू भाई कौन सा बैड है आपका, अरे एक पे सोएंगे इस वाले पे सोएंगे दोनों भाई, ये तो खाली भूत प्रेत सोएंगे इस पे, और इधर की साइड है भाई छोटा टीवी, और ये हमारी जो माला जो हमने अपनी पहनी थी अभी, और उसके बाद है ये, और यहाँ से हमारे होटल के कमरे से व्यू आता है ये, ओ तेरी ओके है अच्छा, और शाबाश भाई व्यू है पूरे पहाड़ों का, और नीचे का ये गाड़ी का खड़ी हमारी ये रही हमारी दोनों धन्य हो, मतलब ओवरऑल भाई मजा आ गया कमरे के, अरे मेरा एक गिर गया कोई बात नहीं भाई, ओवरऑल मजा आ गया, अब जो सबसे मेन काम जो वो करना है अब इन लोगों को और हमको भी खाना खाना चलो भाई इसने तो ऑर्डर भी दे दिया बिना पूछे, साढ़े भिंडी क्यों ना मंगाई, भिंडी है ही नहीं उन पे,
पूछी भी नहीं इसने, बेकूफ बना रहा भैया भिंडी करवा के आता हूँ मैं, उसके बाद खाते खाना। तो भाई ओ भाई भैया व्लॉगिंग कर ले तो प्लीज प्लीज, तुम्हारा का कुछ नहीं जोड़ रहा। सुनो भाई मेरी बात, अब भाई जा रहे हैं हम कुंभलगढ़ फोर्ट, ऐसे कोई टाइमिंग तो नहीं उसकी, कितने बजे बंद हो जाता है? जितने बजे भाई बंद होगा तो उल्टा आ जाएंगे, खुला होगा तो अंदर बढ़ जाएंगे। तो नीचे खड़ी गाड़ी अज्जू भाई की गाड़ी की चाबी ले ली, क्योंकि पीछे खड़े अज्जू भाई हमारी घर में जा रहे, क्योंकि अज्जू भाई का ना वो हो रहा है बच्चा पेट में होने वाला बच्चा, मम्मी बनने वाले अज्जू भाई, तो कंग्रेचुलेशन उसको तो अलग से। चलो भाई को अब जा रहे हैं भाई की गाड़ी पीछे करके अपनी वाली लेके जाएंगे वहाँ पे कुंभलगढ़ फोर्ट, दिखाता हूँ मैंने नहीं पता कहाँ है, 12 मिनट दूर है यहाँ तक, कैसा दिखता है अंदर से, क्या क्या सीन है उसके अंदर वो देखते हैं। ओके अज्जू मम्मी, ओके बच्चे का ख्याल रखना, बच्चे का ख्याल रखना, अज्जू भाई लीक नहीं करने का नगर, बच्चा तेरा ठीक कुछ नहीं भैया कुछ नहीं, सब समझ गए बाय ब्रो। भाई कसम, तुम्हारी कसम भाई, यो है करे किला भाई, दिस इज रियल किला, जो मतलब कि भाई रे वहाँ तो भाई ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, देख रहे हो तुम दीवार और ये ऊपर किला, भाई ऊपर क्या जाएंगे, खत्म ना हुआ है यो भाई, ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ चाइना कितनी बड़ी है तो यो सेकंड नंबर पे, तो देख ले कितनी बड़ी होगी भाई, ऊपर जा रहे हैं ऊपर, तो ओ भाई रे मजा आ गया। इस राजा के पास था भाई पैसा, तो मान गया भाई, इसके पास था पैसा, पैसा तो सबका पास था राजस्थान में, पर भाई सिस्टम भाई ये वाला बढ़िया बना रखा, ऊपर जाके दिखाते हैं भाई कैसा, यहाँ से देख लिया ये ऐसा सिस्टम है भाई, ये ऊपर किला है जिसकी एंट्री फीस दी है हमने 40-40 रुपया, और नीचे देखो तो मैं एक चीज दिखाता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे किले के अंदर देखो लोग रह रहे हैं, क्योंकि ये कौन है, राजा की प्रजा है, प्रजा रह गई होगी मेरे हिसाब से, तो जो प्रजा रहती है भाई अंदर की, ये भी घर है ये भी प्रजा है, सब जगह प्रजा रहती है क्या भाई यार, तो ये कुछ गलत सीन है भाई, गलत सीन ना प्रजा ही होगी भाई, ये देख लो घर है किले के अंदर, किले का एंट्री और उधर की साइड, ये देखो ये मंदिर वगैरह सारी चीजें इनमें करेंगे, पहले जा रहे हैं हम इधर ऊपर, सांस ले लें सांस ले लें, इसने इस वाले ने क्या करा, वहां तारे थे हमारा, हम तो सीधे सीधे रस्ते, सीढ़ी आ गई नीचे तक, सीढ़ी दिख रही तुम्हें, सीढ़ी नीचे तक, कह रहा इस पर चलो शॉर्टकट है, सीढ़ी बंद होगी ऊपर अब पता क्या कर कर वापस चलो, अब उसी रास्ते से जाना सर, डबल टाइम वेस्ट करवा दिया भाई, जो भी राजा था कुंभलगढ़ का बहुत अमीर था पहले तो, बहुत अमीर भी था और क्या ही बोलूं छोड़ो, बहुत अच्छा था, आई लव कुंभलगढ़ के राजा, कुछ भी कहो असली रास्ता तो भाई सीढ़ी वाला भाई, ऊपर जाके, ऊपर जाके भाई सोने के सिक्के हैं भाई ऊपर यार ऊपर सोने के सिक्के, कोई जा नहीं रहा ऊपर भाई, हाँ जी भाई बोला रहा भाई, हाँ बोलो, सीढ़ी से नहीं गए आप, सीढ़ी का पास सिस्टम, यहाँ से क्यों आ गए, ये सीढ़ी दिख रही है ऊपर जा रही है जो, भाई कसम नजारे आ जाएंगे, हम तो आए हैं वहीं से ही अभी, अरे अलग जा रहा भाई क्या बात कर रहे हो, अलग जा रहा हम भी तो अलग, इधर जा रहे हैं हम, ये वो वाली सीढ़ी है वो गलत है, उधर जाके चेम्बर से गलत गलत बड़ी हो जाना जरूर, मजा भैया सीढ़ी से ऊपर चढ़ के, तो भैया वहाँ सोना मिल रहा है यार, सोने के सिक्के भाई वहाँ पे, सोने से कोई सीढ़ी से जाकर ही रहा, ये दिन को कहूँ क्या भाई, कसम सीढ़ी से जो नहीं गया ना भाई, जो सीढ़ी से नहीं गया वो तो पागल है भाई, हैं सोने के पत्थर है भाई वहाँ पे, हम तो लाए नहीं गए हमसे, बहुत भारी थे ना भाई हम तीन लोग, बहुत भारी थे हम तो नॉर्मल भाई, ये देख लो यहाँ पे रखी हैं तोपें, इन जेल थी पहले जहाँ पे कैदी बंद होते थे, अब इसमें तोप रखी हैं, तोप से आधा है, टोपे तेरा क्या हाल है ना, तोप वाली जगह थी पहले भी, क्योंकि तोप नहीं रखी है, अच्छा 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 भाई, परली साइड ना तोप का मुंह निकल रहा है, ताकि कोई एनिमी हमला करे तेरे जैसा तो उसके ऊपर अपना गोला मारे फेंक के, अपना गोला मारे आओ चलो आगे चलते हैं, इस भाई तक है, इस भाई तक है ठीक है, अर्चित इस भाई तक है जो आ रहा आगे, और भाई देखना तुम्हें लाइव प्रैंक करके दिखाएंगे भाई साहब, नजारे ही हैं यार, पर वहाँ सीढ़ी से कोई क्यों नहीं जा रहा भाई, सीढ़ी तो गलत, सीढ़ी गए भाई आप, सीढ़ी जाके देखो मजा आएगा कोई ना जावे तेरी बात ना सुन रहा कोई सोने के पत्थर इतनी रूबीज रशियंस ब्राजीलियंस स्विट्जरलैंड जावे वहाँ पे अमेरिकानो गाइस, हमारी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है बहुत ही, इतनी बेइज्जती तो उन्होंने घर ना करवाई जितनी महल माँ के करवा ली, चल कोई ना, अरे तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी तो और ऊपर भाई, अरे राजा कहाँ आसमान में रह रहा था क्या, वैष्णो देवी की चढ़ाई हो गई, वैष्णो देवी की चढ़ाई तो इससे थोड़ी कमी लग रही है मुझे, यो घनी है भाई कसम, अब भी ना महल दिखाऊं, महल अभी भी हाँ है, अभी यहाँ घूम के आगे तो इंगत अंदर पड़े के ऊपर जाना पड़ेगा, इनकी गैल तो गाइड है छोड़, ये साले मार मूर देंगे गाइस, ये राजा की रानियों का कमरा है एक एक करके, एक ही है गौशाला, अच्छा गौशाला है क्या है यो, क्या है छोड़ना इसने, दोबारा छोड़ना एक बार इसने छोड़ी साढ़े, कैसे डर का भग जावे है तू,
आगे चलने का भाई ये आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था राजा की रानी रहे हुए थी 10-12। देखो 1-2-3-4 सब में अलग अलग रानी। किला तो बिना ऊपर का किला तो यो क्या है, प्ले ग्राउंड लगे उसका। राजा ने ऐसे कर रखा होता, सबको बता रखा होगा कि अलग अलग रानी का कमरा और एक में घुस जाता होगा, अंदर तो सारी होती है। ओह माय गॉड क्लेवर राजा। फाइनली इतनी स्ट्रगल करने के बाद हमें और सीढ़ियां मिल चुकी हैं और ऊपर जाने। चलो भाई क्या हो, यूं चढ़ाए उल्टा चल के दिखाते हैं, मकड़ी की तरह चल, मकड़ी की तरह। गाइस सीढ़ी भी वे वाली ना है, वे चपटी वाली वे वाली है, ऊंची ऊंची वाली देखियो, चढ़ के दिखाए चोरे ताले चढ़ा जा रहा, नहीं पता क्या कुकर्म करते हैं। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इनकी छत पे। महल नहीं आया पर अभी तक, कसम से महल नहीं आया। नीचे गए थे हम, वो 2-4 कोठड़े थे। और एक बार सांस ले लूँ, एक बार सांस ले तो भाई बंदो मेरा सांस लेने का टाइम भी देते मेरे को। ओह ओके ले ली। सुनो भाई ये पता क्या कहता, ये जानवर कहता, मैं कह रहा कि इतनी यार जब कोई एनिमी ऊपर आता हुआ थक जाता हुआ है कि भाई हमने नहीं लड़ना, भाई इतनी ऊपर बना रखा आपने, तो पता क्या कह रहा हूँ, कह रहा पहले के आदमी ना भैया 7-7 फुट के होते थे और एक कदम ना बहुत लंबा लंबा रखते थे, ऐसे ऐसे रखते थे अपने कदम। ये रख के बता रहा, रख के बता ही दे तू ही कैसे कैसे चलते थे पहले के आदमी। ये अपने पापा की बात बता रहा, इसका पापा है 7 फुट का। तो भाई नु कह रहा पहले के आदमी ना बहुत ज्यादा चलते थे। आप फिर ना नीचे हमने कमरे देखे कि कमरों का गेट कितना बड़ा कि भाई आदमी घुसते होंगे उसमें। भाई यहाँ तक आ रहे मेरे गेट, मेरी हाइट 6'1" है, यहाँ तक आ रहे गेट 6'2" है। कितनी भी हो पर आ इधर से इधर तक ही है। 7 फुट का आदमी तो फिर भी ना घुसता उसमें। मेरे हिसाब से ना मैं उनकी औरतों के घर में घुस गया। 6-6 फुट की औरतें होती होंगी पहले। चल ठीक है, अच्छा सॉरी। अब वो बता कैसे लेना, आधा लेना क्या लेना? तो मुंह तो ढंग का बना ले, साले हंस तो ले। चल ठीक है, चल 1-2-3। अरे साले मुंह हंस लेना भाई। वाह ये आ रही फोटो तेरी, वाह नाइस गाइस, पोर्ट्रेट में हां सारी खींच दूंगा भाई, व्यू देख लो गाइस यहां से भाई। वाह ओहो सूरज तो देख लो, पास से दिखाऊंगा। हां आंख चुंदिया जाएगी, रहने दो। ये देख लो भाई, ये यहां पे ऊपर ये गुंबद और यहां पे हमारे जी। हां व्हाट्स अप भाई, इनका तो दिखा दिया मैं अपने साथ ना लुका, इस व्यू को देखना क्या बढ़िया व्यू आ रहा भाई। शेर ऐसे लग रहा हम स्वर्ग में, धक्का मत दे देना इस बात पे, अब कभी सही में स्वर्ग में पहुंचा दो, अच्छे काम तो कर रखे हैं उन्होंने जिंदगी में। भाई फोर्ट हमने क्या ही घूम लिया, मतलब फोर्ट के ऊपर आ गए। अब पता मेन चैलेंज क्या है, मेन चैलेंज उल्टा जाना वैसे ही। मैं पालकी बुला दो इसका यार, यहाँ पे खच्चर भी था हम पे भैया। खच्चर भाई हम क्या कह रहे हैं यार, लक्ष्य भाई को नीचे ले जाओ। 5,000 रुपये ओ माय गॉड, इतना तना हम पे भाई। बैठ गए भाई, बैठ जाओ। साले में चश्मे मार दी भाई, बाल गिरवाएंगे यहाँ पे, बेइज्जती करवाएंगे और अलग। ठीक है हम जा रहे हैं भाई, सीढ़ी दिखाऊं कितनी वैसी अजीब सी। मैं क्या कह रहा हूँ, तेरा सिर फूट का बताया ना साया। 7-7 फुट का आदमी जाएगा तो उसमें तो देखो थे तो एवरेज हाइट खराब हो गया, एवरेज हाइट में लगवा ली ना, भगवान ने दे दिया गलत चीजों का वो जवाब। तो बोल भाई छोरे क्या है, हाँ मेरे को इस चीज का जवाब दो, जितने भी फोटो वगैरह होते हैं पुराने उनमें हनुमान जी या भगवानों की मूर्ति की होती है, और वो भी होती है एंट्रेंस पे, क्योंकि भगवान जी को अच्छा माना जाता है। ये बताएगा पहले इसे, बता भाई छोरे नॉलेज वाला भाई। एंट्रेंस से ले होते हैं जिससे ऑपरेट करे, क्या करे? महल को प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा महल को प्रोटेक्ट करे, ये तो सब अपने घर पे इसलिए रखे क्योंकि घर को प्रोटेक्ट करे। नथिंग, आई थिंक दिस फोर्ट शुड बी नेम्ड एज सीढ़ी महल, समझ रहे? गलत कह रहा हूँ भाई, या तो हमको मूवीज में गलत दिखा रहे हैं या फिर रियलिटी गलत बता रहे हैं। भाई जो भी हो हम यही महल था भाई, तो मैं दिखा दूं एंट्रेंस तो गेट तो दिखाई नहीं दिखा ना। यो है गेट, ये देख रहे हो, यो गेट है जहाँ हाथी उत्ती बड़े करते थे, हाथी का वो पायदान। चले भाई आओ, चलो चलते हैं। सो गाइस अब हम जा रहे हैं बर्थ प्लेस ऑफ महाराणा प्रताप जी, भाई इधर की साइड बता रहे हैं, चलो भाई आओ। और अब हाइट की बात आ गई, मुझे पता नहीं था महाराणा प्रताप जी की हाइट भाई थी ज़्यादा, मतलब जितना मैंने सुना कितनी थी, 7 फुट समथिंग थी। ये इस बात पर छोरा सही कहना पड़ेगा, पर सब लोगों की नहीं थी, मैं ये कह रहा था कि सब लोगों की नहीं थी, लोग ही होते थे। हाँ कुछ एवरेज हाइट उस टाइम 6.5 फीट से ऊपर, 6.5 फीट। अब 6.5 फीट पागा भाई, 7 फुट का तो मुझे महाराणा प्रताप जी का पता है, ठीक है, पर एवरेज लोगों की सबकी नहीं थी, 7-7 फुट उनकी थी। भाई ये लॉक कर रखा इन्होंने, बाकी मैं अंदर से दिखा देता हूँ। ये वो कमरा है जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था, ऊपर तक है भाई ये। अब हम इतनी सीढ़ी चढ़काएं, देख लो भाई इतनी मेहनत करिए महाराणा प्रताप जी के पीछे, अब जा रहे हैं वापस नीचे आके। गाइस हमें देखिए ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ये देख लो यहाँ से शुरू होके ये जा रही है बहुत दूर तक जा रही है, तुम्हारी कसम बहुत आगे तक है, इतनी दूर वहाँ भी पीछे दिख रही है तुम्हें। ओह शिट भाई, जाना भाई चलना है ना भाई, हर चलाएंगे एक बार ना,
हाँ चल तू चला जा फिर, जा टेम्पो पकड़ के आ जाइए फिर। हाँ भाई मुश्किल है भाई, बहुत लंबा है, बहुत लंबा देख रही ना, तुम लोगों ने समझ गए ना हमारी फीलिंग, तो देख लो भाई। गाइस हमारे साथ ट्रेजेडी होगी अभी अभी। अब मैं ये बिस्कुट खा रहा था, इसने बिस्कुट का पैकेट निकाला, मेरे तो मैंने कहा एक बिस्कुट दियो भाई, मैंने एक बिस्कुट ना हाथ में एक बुड़का मारा, इतने मांगा लंगूर लंगूर आगे, मैंने बिस्कुट का पैकेट छुपा भाई, लंगूर आगे मेरे द्वारा, मैंने बिस्कुट फेंकना पड़ेगा। अब कह रहे बंदा डरगा, डराना भाई वो भूखा था, उसको खाना खिलाना पड़ता यार, वरना आपको खा जाता, वरना मुझे खा जाता भाई। वो यू बैठा, यू बैठ यही देख रहा भाई, चलो इसको यही देख, इसे बुला ले, इसे बुला लो, कहा हमारी गाड़ी में बैठे है क्या, थोड़ा सा खोल के दिखाई देख, आ जा भाई बेटा गाड़ी क्या लग लग, बंद कर ले बेटा, लग लिया लग लिया। ओ भाई चिढ़ा हुआ मतलब, अच्छा लगा मुझे यार, उस पे बिस्कुट दे, बिस्कुट दे उस पे, रुक रुक भाई खा जाएगा मेरे को, कहां है वो, अरे मुझे दे मुझे दे, ये ले भाई, थोड़ा सा खोली, तेरी कसम अंदर आगा ना बेटा अंदर, अरे पूरा खोल दिया, चल दे दिया, खुश होगा चल, अच्छा ना लगे बेटा ऐसा है, खोल के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करके चलते भाई हम तो। पर भाई लंगूर ने जो मेरे तक खोसा था ना, मुझे अच्छा नहीं लगा यार, सॉरी हनुमान जी, था ही नहीं जो भी मांगा तो था ये रे। बाय बाय गाइस, बाय बाय महल।